आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ। तो कॉन्सेंट्रेशन यूरिन का जो है वो किसके प्रेजेंस में ये डिपेंड होता है, मतलब कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ये चेंज होगा। तो देखिए, यूरिन इनमें सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं, तो सोल्यूट ये यूरिन में कितने कॉन्सेंट्रेशन में है, मतलब डाइल्यूटेड है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, ये कौन डिसाइड करेगा? वैसे तो आप कितना वाटर ड्रिंक करते हो ये डिसाइड करता है, लेकिन हार्मोन की बात जब करते हैं तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे ADH भी बोला जाता है, इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ये हार्मोन जो है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होगा। ये हार्मोन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि सोल्यूट का एब्जॉर्प्शन करेगा इन कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में ये सोल्यूट का रीएब्जॉर्प्शन करेगा और रीएब्जॉर्प्शन की वजह से सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में बढ़ेगा, और जैसे ही सोल्यूट इंक्रीज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा इसे डाइल्यूट करने के लिए। तो इस तरह से जो पूरा यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन ये डिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन ये दोनों एक ही है, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे सही। थायरॉक्सिन एंड मेलाटोनिन का कोई भी रोल यूरिन फॉर्मेशन में या उसके कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होता, तो ये दोनों हो जाएंगे गलत। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।